मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल रात 12 बजे मुमरा सील फाटा पर आग लगने से प्लास्टिक के 9 गोदाम जलकर राख हो गए हैं। सील फाटा हीरा रेसिडेंसी के पास प्लास्टिक स्क्रैप के एक गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 9 गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी इस जगह पर आग लग चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर बार बार सील फाटा के इन इलाकों के गोदामों में आग क्यों लगती है? आखिर आग लगती है या फिर आग लगाई जाती है? क्या इन गोदामों की जमीनों पर किसी बिल्डर की नजर है या फिर मामला इंश्योरेंस का है? आखिर आग क्यों बार-बार लग रही है? इन इलाकों में ज्यादातर प्लास्टिक, लकड़ा इत्यादि के गोदाम हैं, मगर अग्निशामन दल भी इन गोदामों की जांच नहीं करता है। क्या इन गोदामों में आग बुझाने के उपकरण है या नहीं है? अगर नहीं है तो अग्निशामन दल इन्हें नोटिस जारी क्यों नहीं करता है? किस चीज का आखिर इंतजार किया जा रहा है? क्या किसी अग्निकांड में इंसानी जान जाने के बाद ये जागेंगे? हैरानी इस बात से भी होती है कि जब भी इन इलाकों के गोदामों में आग लगती है तो ज्यादातर आग लगने का कारण ही नहीं पता चलता। इसी तरह कल लगी आग भी कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, सिर्फ जांच होती है। इसी तरह से ये 9 गोदाम भी जल गए और इसकी भी जांच होगी। फिलहाल अग्निशामन दल ने जैसे ही आग लगने की खबर मिली घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी इसकी जांच होगी। अब देखना यह है कि इस आग का भी पता चलता है या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार।